नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो का शीर्षक है स्टेज 4 मेलानोमा यानी स्किन कैंसर का पक्का इलाज। तो ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप का कैंसर है यदि हम हमारी कंट्री की बात करें। यदि हम वेस्ट की बात करें, जो यूरोपियन और अमेरिकन देश है, उनमें मेलानोमा नाम की यह बीमारी बहुत ही कॉमन कैंसर है, मेनली क्योंकि उनका स्किन लाइट है और हार्मफुल रेज का एक्सपोजर उन लोगों को ज्यादा होता है। हमारी कंट्री में डार्कर स्किन की वजह से सन की हार्मफुल रेज डीप तक पेनिट्रेट नहीं करती, इसकी वजह से हमारी कंट्री में इस तरह का स्किन कैंसर बहुत ही रेयर है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी हमारी कंट्री में नहीं होती। और नेट रिजल्ट ये होता है कि बीमारी रेयर होने की वजह से कई डॉक्टर्स टाइम पे इस बीमारी को नहीं पहचान पाते, टाइम पे इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, जिसका नेट रिजल्ट ये है कि हमारी कंट्री में बहुत कॉमन है कि एक बीमारी एक एडवांस स्टेज यानी स्टेज 3 या स्टेज 4 पे पकड़ी जाए। स्टेज 4 से हमारा तात्पर्य यह है कि बीमारी जो स्किन पे शुरू हुई है वो स्किन से फैल के अंदरूनी ऑर्गन तक चली गई है, जैसे कि लिम्फ नोड, लिवर, बोन, ब्रेन एक्सेट्रा। तो फैली हुई मेलिग्नेंट मेलानोमा की बीमारी यदि हम बस 2-3 साल पीछे जाए तो ये एक बहुत ही घातक, बहुत ही डेंजरस बीमारी मानी जाती थी, जिसका इफेक्टिवली कोई अच्छा इलाज अवेलेबल नहीं था। उस समय में मेन ट्रीटमेंट इस बीमारी का कीमोथेरेपी होता था, परंतु कीमोथेरेपी से इस बीमारी का आउटकम ज्यादा अच्छा नहीं है। देखा गया है कि कीमोथेरेपी से ऑन एवरेज पेशेंट का सर्वाइवल 6-8 महीने ही होता है और उसके बाद बीमारी का कंट्रोल छूट जाता था। इनफैक्ट देखा गया था कि 2 साल के पॉइंट पे सर्वाइवल पेशेंट्स का ऑलमोस्ट 0% कीमोथेरेपी एरा में रहता था। परंतु आज के जमाने में पिक्चर सेम नहीं रही है, स्पेशली जो नई ट्रीटमेंट जिनके बारे में मैं आज वीडियो में बात करूंगा, देखा गया है कि ऑलमोस्ट 50% पेशेंट्स का स्टेज 4 होने के बावजूद हम पक्का इलाज आज की एरा में कर सकते हैं। तो इस बीमारी के ट्रीटमेंट का तरीका बहुत ही रेवोल्यूशनरी तरीके से चेंज हो चुका है और इसका रिजल्ट है कि ये फेटल डेंजरस बीमारी एक काफी कंट्रोलेबल डिजीज में कन्वर्ट हो गई है। तो ट्रीटमेंट के 2 मेन अप्रोच होते हैं आज के जमाने में, जिनको हम बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी, और हम दोनों के बारे में अभी बात करेंगे। तो नंबर 1 है इम्यूनोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी एक स्पेशल तरह की ट्रीटमेंट होती है, कुछ नई तरह की टेक्नोलॉजीज होती है जो कि बॉडी को कैंसर से इंटरेक्ट करने में बेटर हेल्प करती है। नॉर्मली हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कैंसर को मारने की कैपेबिलिटी रखती है, और बॉडी में कोई भी कैंसर सेल मान लो पनपता है तो इम्यून सिस्टम पकड़ के उसको उसी टाइम खत्म कर देता है। जिन पेशेंट्स में कैंसर फैलने लगता है वो बॉडी के इम्यून सिस्टम के बावजूद फैलता है, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उस कैंसर सेल को पहचानना बंद कर देता है, मारना बंद कर देता है, इसकी वजह से वो फैलना शुरू हो जाता है। तो इम्यूनोथेरेपी को स्पेशल तरह की टेक्नोलॉजीज है जो कैंसर सेल और इम्यून सेल के बीच के इंट्रैक्शन को स्ट्रेंथन करता है। नेट रिजल्ट ये होता है कि जो इम्यून सिस्टम कैंसर को नहीं पहचान पा रहा था वो उसको पहचानने और मारना शुरू कर देता है और इसको खत्म कर देता है। गौरतलब यह है कि इम्यूनोथेरेपी का मेन बेनिफिट ये है कि इम्यूनोथेरेपी का रिजल्ट यूजली डीप और लॉन्ग लास्टिंग होता है, यानी अनलाइक कीमोथेरेपी यूजली जिसका शॉर्ट रिजल्ट होता है, इम्यूनोथेरेपी का रिजल्ट काफी लॉन्ग लास्टिंग होता है और कुछ केसेस में इम्यूनोथेरेपी से बीमारी का पक्का जड़ से इलाज भी पॉसिबल है। दूसरा मेजर इम्यूनोथेरेपी का बेनिफिट ये है कि इसके साइड इफेक्ट्स यूजली रिलेटिवली कम होते हैं, हालांकि वो 0% नहीं होते, कुछ साइड इफेक्ट इम्यूनोथेरेपी से भी होते हैं, बट यदि हम कीमोथेरेपी से कंपेयर करें तो जनरली इम्यूनोथेरेपी कीमोथेरेपी से कम साइड इफेक्ट वाली ट्रीटमेंट होती है। तो ये एक और इम्पोर्टेंट फायदा इस ट्रीटमेंट का है। दूसरी ट्रीटमेंट जो हम मेलानोमा में यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं टारगेटेड थेरेपी। तो टारगेटेड थेरेपी से हमारा मतलब ये है कि किसी भी कैंसर सेल में जो मशीनरी होती है उसमें कुछ डिफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हुआ है। तो यदि उन मशीनरी के डिफेक्ट्स को हम आइडेंटिफाई कर सके तो उन मशीनरी के डिफेक्ट्स पर हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं जो सिर्फ उसी चीज पर एक्ट करते हैं और दूसरे नॉर्मल सेल्स पर एक्ट नहीं करते। तो इन ट्रीटमेंट्स को हम टारगेटेड थेरेपीज बोलते हैं। और मेलानोमा में देखा गया है कि करीब 50-60% पेशेंट में कुछ स्पेसिफिक डिफेक्ट्स होते हैं सेलुलर मशीनरी में जिनको हम मेडिसिन से टारगेट कर सकते हैं। तो टारगेटेड थेरेपी के भी बहुत सारे फायदे होते हैं। नंबर 1, अनलाइक कीमोथेरेपी टारगेटेड थेरेपी यूजली टैबलेट फॉर्म में दी जाती है, जिसका रिजल्ट ये है कि पेशेंट कंप्लायंस अच्छा होता है और पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं। नंबर 2, टारगेटेड थेरेपी का बेनिफिट बहुत ही डीप, स्ट्रांग और ड्यूरेबल होता है, यानी जिन पेशेंट्स को हम टारगेटेड थेरेपी देते हैं जिनके ट्यूमर बड़ी
रैपिडली और कंप्लीटली बॉडी में सप्रेस हो जाता है और ये सप्रेस स्टेट लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू कर सकती है जो कि कई कई साल तक भी पॉसिबल है। नंबर थ्री टारगेटेड थेरेपी का बेनिफिट ये है कि चूंकि ये नॉर्मल सेल्स में इसका असर कम होता है इसलिए इस ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स काफी कम होते हैं। तो एक मेजर इशू जो इन नई ट्रीटमेंट्स के साथ है वो ये है कि इनका ट्रीटमेंट्स का इफेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी इम्यूनोथेरेपी हर मरीज पर काम नहीं करेगी, टारगेटेड थेरेपी हर मरीज पर काम नहीं करेगी। इंपॉर्टेंट ये है कि एक अच्छा मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट टेस्ट करके बताए किस पेशेंट में कौन सी ट्रीटमेंट यूज करनी है और इस ट्रीटमेंट को उसी पेशेंट में यूज किया जाए। दूसरा, ये ट्रीटमेंट साइड इफेक्ट फ्री नहीं होती, हालांकि इनका साइड इफेक्ट यूजली कीमोथेरेपी से कम होता है, तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट अच्छे डॉक्टर के सुपरविजन में ट्रीटमेंट को यूज किया जाए ताकि पोटेंशियली डेंजरस साइड इफेक्ट्स पेशेंट को ना हो। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि स्टेज 4 मेलानोमा का आज के एरा में यदि हम प्रॉपरली ट्रीट करें तो ये क्योरेबल बीमारी है क्या और इसका क्योर रेट क्या है। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजीज है यदि उनका इस्तेमाल मेलिग्नेंट मेलानोमा में इस्तेमाल किया जाए तो चौथे स्टेज पर भी देखा गया है कि 50% से ज्यादा मरीजों की बीमारी को लॉन्ग टर्म खत्म किया जा सकता है, जो कि जिसको हम ड्यूरेबल रिमिशन या क्योर के इक्विवेलेंट मानते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको यूजफुल जानकारी मिली हो। मेलिग्नेंट मेलानोमा हमारी कंट्री में एक रेयर डिजीज है जिसकी वजह से काफी लोग इस ट्रीटमेंट का एक्सपर्टीज नहीं रखते हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हमारे पेशेंट्स को भी पता हो कि वर्ल्ड में क्या नई टेक्नोलॉजीज इस बीमारी के लिए अवेलेबल है और कैसे इस बीमारी का एक फेटल डिजीज से एक यूनिवर्सली कंट्रोलेबल डिजीज में कन्वर्जन ग्रेजुअली हुआ है। हमारे चैनल का पर्पज यही है कि हमारे पेशेंट्स को भी उन नई टेक्नोलॉजीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिले जो कि हमारे कंट्री में अभी नहीं है या हमारे कंट्री में धीरे धीरे आ रही है और इन ट्रीटमेंट्स का वो बेस्ट पॉसिबल फायदा उठा सके। तो यदि आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर टू, यदि आपको इस वीडियो के बावजूद कोई भी सवाल है, क्वेरी है, डाउट है तो स्क्रीन पर डिस्प्लेड हमारे वेरियस कॉन्टैक्ट चैनल्स और सोशल मीडिया लिंक्स है, साथ ही हमारी वेब एड्रेस भी है, आप इन पर जाके इन ट्रीटमेंट्स और इन क्वेरीज के बारे में सीख सकते हैं। और यदि आप हमें इनमें से किसी चैनल से कॉन्टैक्ट करते हैं, कोई सवाल पूछते हैं, तो मैं पर्सनली कोशिश करूंगा कि इसका जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो इसके साथ ही हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।